स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। 17 अक्टूबर को भरतपुर में होगी महापंचायत, सरकार अलर्ट। चिकित्सक और कर्मचारियों की लापरवाही, प्रसूता और नवजात शिशु की मौत। युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में गुज्जर आरक्षण आंदोलन की आहट तेज होने लगी है। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुज्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए दो दिन बाद 17 अक्टूबर को भरतपुर जिले के पीलूपुरा क्षेत्र में स्थित अड्डा गांव में जुटेंगे। वहां गुज्जरों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह महापंचायत 17 अक्टूबर को सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर गांव में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, अब इसका स्थान बदल दिया गया है। वहीं गुज्जर नेताओं के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। अरब खबर उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले से। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लाख दावे कर लिए जाएं, लेकिन यह महज एक नारा है और इसकी वानगी बस्ती जिले में देखने को मिल रही है, जहां एक बेटी अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर दौड़ रही है, लेकिन उसको हर जगह मायूस होना पड़ रहा है। असल में यह मामला जमीनी विवाद का है, जिसमें एक पक्ष जबरन जमीन पर कब्जा कर दूसरे पक्षों की जमीन हड़प रहा है, और जब पीड़ित परिवार इसकी शिकायत थाना पुरानी बस्ती में करते हैं तो उल्टा उन्हें जबरन थाने में बंद कर दिया जाता है। और लगातार दो दिन से परिवार सहित थाने में बंद रखा गया है। पीड़ित परिवार ने थाना पुरानी बस्ती पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए आरोप लगाया है कि दक्षिण दरवाजा चौकी पर तैनात सिपाही चौहान ने आशीष उर्फ कल्लू बाबा नामक दलाल के साथ मिलकर पैसों के बल पर पीड़ित परिवार की जमीन बगैर बंटवारा कराए उस पर कब्जा करवाने के साथ पीड़ित परिवार को थाने में बंद करवाने की एक तरफा कार्रवाई करवाया गया। हत्या और बलात्कार जैसे मामले पुलिस की निष्क्रियता पर ही सामने आते हैं, और यदि बस्ती पुलिस भी इस तरह राह पर है तो वह दिन दूर नहीं जब इस शहर में भी हत्या और दूसरे आपराधिक घटनाएं सामने आने लगेंगी। पहुंची तो वहां पर जो है कल्लू बैठे थे और क्या नाम है इनका चौहान सिपाही बैठे थे। ये लोग 5000 रुपया भी ले लिए, कार्रवाई भी नहीं किए। ऊपर से एसओ साहब 2 दिन के छुट्टी पे थे। ये लोग बोले कि हम तुम लोग का करेंगे, हम लोग का कुछ नहीं सुने, कुछ नहीं किए। तो एसओ साहब जब छुट्टी पे थे, क्या कितने दिन से आपके पति को वहाँ रखे हैं? हमारे पति को हमारे जेठ को रखे हैं आप 2 दिन से। अच्छा, वो जेठ हैं आप? हमारे जेठ हैं, 2 दिन से रखे हैं। परसों हम लोग गए थे रात को, तो हम लोग का बोले यहीं पर रहो यहीं पर रहो, कुछ सुने नहीं। बंद करना, दोनों पक्षों को बंद करिए, एक ही पक्ष को ये लोग कर रहे हैं, खाली हमारे ऊपर ही दबाव डाल रहे हैं। वो लोग को इसे छोड़ दिए हैं, हम लोग घर उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, वो लोग को इसे छोड़ दिए। हम लोग घर पे जब परसों रात को आए घर में घुसने के लिए, घुस तो गए कैसे करके, उसके बाद में हमारे दरवाजे पे। आज ये जो लड़की का वीडियो था, ये किस क्या विषय था, किस लिए इसको वायरल किया गया, क्या मामला था? ये लड़की ने आज जो वीडियो बना के अपना एसपी साहब के ऑफिस के सामने भेजा था, वो क्या था, क्या मामला, आज क्या हुआ है? आज यही हुआ था कि वो लोग बोले थे कि छोड़ दूंगा, पैसा देने के बाद भी नहीं छोड़े हमारे जेठ को। उसके बाद में लड़की ने ऊपर ही बंगत मांग रही है, फिर ऊपर से वो घर जो है बनाने के लिए फिर आदमी लगा दिए थाना वाले खुद खड़े होके उसको बनवा रहे थे, थाना पुलिस सब लोग चौहान जी आके खड़े होके बनवाए। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज दोपहर पश्चात रायपुर पहुंचे और स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल जाट, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष रामपाल शर्मा, जम्वा रामगढ़ विधायक गोपाल मीना, पूर्व विधायक गंगा सहाय, गणेश परमार, विवेक धाकड़ सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उनके साथ थे। स्वर्गीय त्रिवेदी के परिजनों को सांत्वना देते हुए जोशी ने कहा कि वे सच्चे मायने में जन नेता थे। उनके कार्यकाल में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ। उनके नहीं रहने से न केवल इस क्षेत्र की बल्कि पूरे प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
प्रदेश में चिकित्सा महकमे की लापरवाही से प्रसूताओं की होने वाली मौतों का सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी ही घटना भीलवाड़ा जिले के बागौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई, जहां चिकित्सक और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते प्रसूता और नवजात शिशु की मौत हो गई। इस घटना को लेकर बागौर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग में आक्रोश प्राप्त है। इसके चलते नाराज लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें चिकित्सक व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बागौर निवासी विजय सिंह भाटी ने कहा कि मेरी पत्नी रेखा कवर की डिलीवरी की तारीख से 3 दिन आगे बीत गए। इस पर हमारे पास ही रहने वाली दाई ने हमें भीलवाड़ा जाने से रोकते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए कहा, जिस पर उसने हमसे रुपए लेकर वहां ले गई और चिकित्सकों से मेरी पत्नी का प्रसव करवाया, लेकिन बच्चा 4 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सका और मेरी पत्नी का रक्त नहीं हुआ। काफ़ी देर बाद चिकित्सकों ने जब खून नहीं रुका तो उन्होंने हमें भीलवाड़ा ले जाने के लिए कहा। हम जब उसे भीलवाड़ा लेकर आए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारी मांग है कि चिकित्सकों और नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी मिसेज की डिलीवरी 10 तारीख को 12 और 1 के बीच में मेरे को दो नर्सों ने मेरे को वहाँ पे घर पे बुलाया, मतलब वहाँ पे ऑन ड्यूटी पे बुलाया। ऑन ड्यूटी पे उन्होंने बोला कि मैं डिलीवरी घर पे ही निपटा दूंगी, और एक बार मैंने उनको घर पे लेकर गए तो उन्होंने बोला 3:30 बजे अभी मेरी ड्यूटी चलती है, 3:30 बजे मैं आऊँगी वहाँ से तो मेरे घर पे ले आना। और घर पे ला के बाद में उन्होंने बोला मैं इंजेक्शन गोली दवाई दूंगी तो उससे क्या उसके दर्द पैदा हो जाएगा, फिर बाद में क्या डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाऊँगी। फिर बाद में मेरे से 2,000 रुपये एडवांस में मांगे और उन्होंने घर पे बुला के फिर बाद में उन्होंने कहा अब हॉस्पिटल ले जाओ, मतलब उनके घर पे नर्स के मतलब नान के घर पे। फिर बाद में मैंने वहाँ पे उसको हॉस्पिटल गाड़ी में ले गए, गाड़ी में ले जाने के बाद में आधे घंटे में डिलीवरी हो गई। फिर बाद में बच्चा 4 मिनट तक जिया, 4 मिनट में बच्चे को कैसे भी करके छीना छीनी करके उसको निकाला। तो फिर बाद में उन्होंने फिर बाद में क्या उनका बच्चे को 4 मिनट में एक छींक आई, छींक आने बाद में बच्चा ओप हो गया। बच्चा ओप होने के बाद में फिर बाद में उन्होंने 9 लुगड़े से उनका ब्लड रोकने की कोशिश की तो रुका नहीं। फिर बाद में उन्होंने मेरे से कैंची मंगाई और एक इंजेक्शन मंगाया और 480 रुपये के दवाई ववाई ये मंगाई। फिर बाद में क्या मेडिकल उन्होंने बोला कि अपने डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, डॉक्टर साहब आधे घंटे में आने पर रेफर पर्ची बनाने में देरी कर दी। उसके बाद में बोला गाड़ी पड़ी थी तो भी उन्होंने बोला कि ऐसी आप तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेने गए आप मैं तो फिर बाद में आधे घंटे में रेफर पर्ची बनाने दी। तो फिर बाद में हम यहाँ पे आए रामसिनी हॉस्पिटल में बोला कि आधे घंटे पहले ही आपकी मिसेज की डेथ हो चुकी है। हाँ, मेरे को न्याय मिले और ऐसा ऐसे ऐसे समस्या बागौर में कभी पैदा नहीं हो, और उनके वो जो नर्सों और डॉक्टर हैं जिनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मम्मा को नाथी नायन और सरोज चौधरी जबरदस्ती आए थे मेरी मम्मा को ले जाने के लिए। वो कह रहे थे कि मेरी मम्मा को पहली मम्मा भीलवाड़ा जाने के लिए तैयार हो गए थे। फिर मैंने उनको कहा कि भीलवाड़ा मत जाओ, चीरा फाड़ा वगैरह करेंगे, उससे मेरी मम्मा डर गई और फिर उनको हॉस्पिटल की वजह अपने घर ले गए। और घर ले जाके उनकी 2 ड्रिप चढ़ाई जिससे उनको पोटी आने लग गई। तो फिर जैसे वो पोटी करने के लिए उठे तो मेरी मम्मा जोर जोर से झटपटा रहे थे, उनको ऐसे शरीर चला नहीं जा रहा था उनसे और वो बहुत दूज रहे थे। फिर उनके जब पूरी बोतल चढ़ी और मेरी मम्मा बहुत झटपटाने लग गए थे, जैसे बोतल चढ़ी मेरी मम्मा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उनको मेरे पापा बस वो वैन करके उनको वहाँ पर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद एक सीता हरिजन और सरोज नर्स और सरोज चौधरी और एक नाथी नायन ने मेरी मम्मा के पेट पे जोर से प्रेशर डाला और बाबू जैसे निकले उसकी गर्दन पर से जोर से नोच ली, जिससे मेरा बाबू बाहर तो आ गया। फिर जैसे ही वो आए और उसकी नावल काट दी, जिससे मेरे बाबू मर गए। फिर मेरी मम्मा की बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। वो उनकी 9 से 10 फाड़ के कैंची से अंदर डाल देते। उससे मेरी मम्मा बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। आसपास के साथ भी आदमी सुन रहे थे, सारा हंगामा मच गया था। और मैं और नानी साहब जब अंदर थे तो हमें धक्का मुक्की करके बाहर निकाल रहे थे। मेरी नानी साहब कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते आप, आओ ना, ऐसे जल्दी कैसे खाते।
मेरी नानी साहब को पास अगर तू बन जाते ना डॉक्टर, तू बन जाते ना डॉक्टर, यहाँ पर खुली थी जब तू खुद ही डॉक्टर। और फिर मेरी मम्मा से जब वो हैंडल भी मैं तो उनको भिलवाड़ा रेफर कर दिया और उनके साथ भी नहीं गए। और जैसे भी और उनके जब रेफर पर्चे बना रही थी हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने 20 से 25 मिनट लगा दिए, जिससे मेरी मम्मा जैसे वेल में बैठे वो शांत हो गए थे। और अब खबर बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र से। पंचायती राज चुनाव में नव निर्वाचित सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों ने पदभार ग्रहण किया। झज्जू कस्बे के नव निर्वाचित सरपंच घमू राम नायक ने बुधवार को ग्राम पंचायत में सरपंच पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कस्बे के पानी निकासी की ज्वलन समस्या के स्थायी समाधान एवं युवाओं की प्रतिभाओं में खेल भावना विकसित करने के उद्देश्य से खेल मैदान का निर्माण करने सहित कस्बे के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कस्बे की साफ सफाई व केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। इस अवसर पर उप सरपंच नूरे खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता झवरलाल सेठिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सेठियाज, वार्ड पंच भगाराम कांठिया, चत्राराम कांठिया, बिहारी लाल पुरोहित, पूजा भार्गव, सरोज देवी, कांता देवी, रेणु देवी सेठिया सहित सभी वार्ड पंच एवं झज्जू के पूर्व सरपंच मूलचंद सेवक, मड सरपंच प्रतिनिधि हुक्माराम नायक, एचएल नायक, सिल्वा सरपंच प्रतिनिधि खोमचंद, सोवा सरपंच प्रतिनिधि पीराराम, एसआर नायक, फोकस एकेडमी के निर्देशक लक्ष्मी नारायण सेवक बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबर जोधपुर जिले से। ओसिया में तिवरी रोड पर स्थित वन तालाब नाडी में कल एक 21 वर्षीय युवक का शव तैरता हुआ मिला। इस मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 21 वर्षीय युवक दीपक 2 दिन से घर से लापता था और कल तालाब में युवक का शव तैरता हुआ मिला। मृतक युवक के शरीर और आंखों पर कई चोटों के निशान मिले। इसके बाद मृतक के परिजन कल से ही हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी के बाहर बैठे रहे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर जांच में जुटी। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अब पुलिस हत्या के मामले में अन्य और शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली थी कि एक युवक, उसकी लाश तालाब के अंदर तैर रही है। मौके पर SHO पहुंच के उन्होंने, CO साहब ओसिया और SHO ओसिया वहाँ पर पहुंच के उन्होंने लाश को निकलवा कर, चूँकि उसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए लाश को हमने मोर्चरी में रखवाया गया था। शाम तक उसकी शिनाख्ती के प्रयास किए गए, जिस पर मृतक दीपक के रूप में उसकी शिनाख्त हुई, जिस पर उसके परिजनों ने हत्या का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करवाया। और उसकी जांच करते हुए स्पेशल टीम जोधपुर ग्रामीण, CO ओसिया, SHO ओसिया और RPS प्रोबेशनर प्रियंका जी, इनकी टीम ने मिलकर तकनीकी सहायता और गोपनीय आसूचना के आधार पर एक अभियुक्त को दस्तयाब किया है और उससे भी पूछताछ जारी। सर, क्या लगता है इस मामले में एक आरोपी के साथ और भी कोई आरोपी संदिग्ध है? अब इस संबंध में भी और जांच की जा रही है, अभी तक ऐसा कंफर्म नहीं है। बाकी एक अभियुक्त को हमने दस्तयाब किया है और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके साथ अन्य थे या नहीं थे, इसके बारे में भी अनुसंधान जारी है। और अब खबर जालौर जिले के भीनमाल क्षेत्र से। भीम आर्मी एकता मिशन का जिला स्तरीय सम्मेलन मंगलवार को सायला उपखंड मुख्यालय स्थित मेघवाल समाज रामदेव मंदिर में आयोजित हुआ। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सत्यवान सिंह मेहरा ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल पनप रहा है। केंद्र की गूंगी भैरी सरकार में शोषितों वंचितों पर आए दिन उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हिंदू एकता की बात करने वाले नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ एक दलित बेटी की दरिंदगी एवं हत्या के बाद आधी रात को शव जलाकर सबूत नष्ट कर दिए। आखिर रात में अंत्येष्टि करना क्यों जरूरी था? उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पीड़नों को रोकने के लिए मनुवादी सामंतवादी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए हर गांव ढाणी तक भीम सैनिकों की फौज तैयार करनी होगी। इसी प्रकार प्रदेश सचिव मोतीलाल हीरागर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल देश अंधभक्ति में डूबा हुआ है। एक तरफ से लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है,
इन नागपुरी संतरों ने, लेकिन हम हैं कि अभी भी उनके प्रपंच में फंसे जा रहे हैं। आए दिन हम मूल निवासियों पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकारें हमारा साथ नहीं दे रही हैं। यह राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मनुवाद को हावी करना चाहती हैं। यदि समय नहीं है कि चेते, तो एक दिन वो आने वाला है जो गली में हांडी और पीछे झाड़ू लग सकती है। हमारी भीम आर्मी संस्थापक साहब चंद्रशेखर आजाद साहब एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह आज देश भर में कितना संघर्ष कर रहे हैं, आप मेरे युवा साथियों आपको उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जिला महासचिव निसार खान राजन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भीम आर्मी के प्रादुर्भाव के बाद आम सामंती सोच वाले लोग डरे हुए हैं। एक बात यह हकीकत है कि भीम आर्मी सिर्फ और सिर्फ संविधान और कानून को ऊपर रखकर काम करती है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि कई सेनाएं धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती हैं। इसलिए ऐसी फर्जी राष्ट्रवादियों से दूर रहते हुए हमें संविधान की रक्षा के लिए भीम आर्मी को मजबूत करना है। जिलाध्यक्ष जीतपाल वेघवाल ने सभी को एकजुट होकर संगठनों को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला सचिव उमेद ऋषि ने हाल ही में हुई घटना रायपुरिया के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसे आए दिन पूरे भारत में हमारे समाज के साथ घटना होती रहती है, पर केंद्र सरकार ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करती है। ऐसे में हम लोगों को एकजुट रहना होगा। इस दरमियान समस्त जिला स्तरीय भीम सैनिक व बहुजन समाज मौजूद था। और वहीं भीलवाड़ा जिले के सुवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पालड़ी में नवनिर्वाचित सरपंच गोपाल लाल जाट ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। ग्राम पंचायत पालड़ी प्रशासक गिरधारी लाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करवाया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डेयरी चेयरमैन के सुपुत्र अंकित चौधरी, पूर्व सरपंच भैर सिंह पालड़ी आरजिया के सरपंच पति भूपेंद्र सिंह आरजिया, जनप्रतिनिधि शंकरलाल सुथार सहित समस्त निर्वाचित वार्ड पंच एवं समस्त पालड़ी के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व काफी संख्या में पालड़ी ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित हुए। कार्यग्रहण के समय उपस्थित डेयरी चेयरमैन के सुपुत्र अंकित चौधरी ने पालड़ी के विकास में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। वह सरपंच गोपाल लाल जाट ने सभी का सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया। वह पालड़ी ग्राम पंचायत में सभी का हर समय कार्य करने व विकास करने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक कृषि अधिकारी कोदू कोटा शिवलाल चौहान ने किया। और अब खबर चूरू जिले से। बिदासर के गांव भोमपुरा में जमीनी विवाद को लेकर एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ उसके बेटे व पोतों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर वृद्धा ने सांडवा पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुनी। वह वृद्धा का आरोप है कि पुलिस द्वारा उसे डरा धमकाकर थाने से बाहर निकाल दिया गया और वो पिछले 5-6 दिनों से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की है, जिसको लेकर पीड़िता मोहिनी देवी ने अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। तथा इस पूरे मामले को लेकर जब थानाधिकारी इंद्रलाल शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। एप्लीकेशन हमारी दीड़ी FIR दर्ज कराने वास्ते और तक न तो पुलिस वाले FIR दर्ज कराई न और आवाज ना ए मान का नहीं कल्डी नजरों देखे धमकावे भी आपका नाम तो अन बार बार मैं तो बोल दियो साहब मैं और की गंदा से आम हम तो न्याय मिलने चीज है जहाँ ये लोग मान कहे है कथे तो मांगना बांस बजाना चाहो बांस बजाने रो काम मारो को नहीं तो साहब ये बहाना बताओ तो वो बांस बजाने को काम की रो है बे लोग मारे तो बांस बजा सुबह शाम दोनों टाइम और ये मारी कोई सुनाई कर रिया को नहीं क्यों मारे साथ कोई आदमी को नहीं मैं अकेला रह गया गरीब रह गया इन वास्ते ये लोग माना। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।